आगे के आगे मैंने उपनिषद वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया, वह जागृत न हुए तो क्या भागवत के श्लोकों के द्वारा भक्ति का दुख दूर हो जाएगा? सनत कुमार कहते हैं, नारद जी, भागवत तो वेद उपनिषद का भी फल है, सार है। अवश्य ही आप विश्वास के साथ यह ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ करें, भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। नारद जी की विनती सुनकर अब सनत कुमार कथा करने के लिए प्रारंभ हुए। विशाल मंडप बनाया, सभी लोगों को आमंत्रण दिया कि भी कथा कौन कर रहा है, कि सनत कुमार अपने मुख से कथा करेंगे। दूर दूर से लोग उस कथा को सुनने के लिए आए कि सनत कुमार जो भगवत अवतार हैं उनके मुखमंडल से कथा का श्रवण, ऐसा अवसर कब प्राप्त हो। लोग पहुंचे कथा मंडप, मंडप में हजारों लोग बैठे, नारद जी विराजे, और अब सनत कुमारों ने भागवत का महात्म का प्रारंभ किया। सनत कुमार कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रयेत। ये भागवत ऐसा है कि इसका निरंतर सेवन करो, कि इसके निरंतर सेवन करने से क्या होगा, हरिश्चित्तम समाश्रयेत, क्योंकि भागवत नाम भागवत कथा चित्त को शुद्ध करने वाली है, निर्मल करने वाली है। और जब चित्त निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो उस चित्त में हरिश्चित्तम समाश्रय, भगवान भी उस हृदय में पधारेंगे। सनत कुमार कहते हैं कि यह भागवत कथा भागवतस्यापि नित्यं भगवती गृहं तद गृहं तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। कि यह भागवत कथा कैसी है, यह भागवत कैसा है कि जिस घर में यह भागवत विराजती है वह घर घर नहीं रहता, तद गृहम तीर्थ रूपम ही, वह घर तीर्थ बन जाता है। और उस घर में रहने वाले सभी सदस्यों के, वैष्णवों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भागवत की महिमा है। इसके फल की तो मैं क्या बात करूं नारद जी। अश्वमेघ सहस्त्राही वाजपेय शतानी च शुक शास्त्र कथायांश कलाम नारहंति सोषोडशीम। जो फल अश्वमेघ सहस्त्राई वाजपेय यज्ञ हजारों सहस्त्र यज्ञ आदि करने से नहीं मिलता, वह फल भागवत के जो शुक के मुखारविंद से प्रकट हुई, शुकदेव जी के द्वारा जिसका प्रचार हुआ, उस भागवत के श्रवण करने से वह फल उस जीव को मिल जाता है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयाग कम शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। जो फल गंगा काशी पुष्कर आदि में भ्रमण करने से नहीं मिलता, वह फल भागवत के श्रवण के द्वारा उस जीव को मिल जाता है। श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी अंतर्गत आज्ञा करते हैं, श्री भागवत मेवात्र केवलम चेत समाश्रितम गंगावत हरिवत चैव सभुवच्च फलिष्यति ही। कलयुग में जो जीव केवल एक भागवत का ही आश्रय करता है, उस जीव को फिर गंगा जी में स्नान करने की भी आवश्यकता नहीं रहती, वह फल उसको भागवत कथा के श्रवण से मिल जाता है। तो ऐसी यह दिव्य कथा, जहां उसकी महिमा का वर्णन कर रहे थे, उसी समय उस कथा मंडप में एक आश्चर्य हुआ और भक्तगण संकीर्तन करते हुए कथा मंडप में प्रकट हो गए।